Good morning class. This is our new ENA physio class in which today we will start our new chapter, that is embryology or development of the human embryo. तो देखिए आज हमारे को एम्ब्रियोलॉजी पढ़नी है. बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये भी अपना एना फिजियो का. तो एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, उसकी स्टडी करना ही एम्ब्रियोलॉजी है. कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, इसको स्टडी करना ही एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है. तो एम्ब्रियोलॉजी में क्या है, ये स्टडी है जिसमें अपन डेवलपमेंटल इवेंट्स की स्टडी करते हैं जो प्रीनेटल स्टेज के दौरान चल रहे होते हैं. मतलब प्रीनेटल स्टेज के दौरान चलने वाले डेवलपमेंटल इवेंट्स की स्टडी को अपन एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं. प्रीनेटल स्टेज का मतलब क्या होता है, प्रेगनेंसी के दौरान, बर्थ से पहले की स्टेज में जो डेवलपमेंटल इवेंट्स चलते हैं उनकी स्टडी को अपन एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं. बायोलॉजी ये और मेडिसिन की वो ब्रांच जो कि एम्ब्रियो और उसके डेवलपमेंट की स्टडी से कंसर्न रखती है उसको एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं. अब एम्ब्रियोनिक पीरियड और फीटल पीरियड क्या होता है भाई? एम्ब्रियोनिक का मतलब पहले 8 हफ्ते, जिसमें डेवलपमेंट होता है 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स का और उन्हीं से ही बाकी सारी स्ट्रक्चर्स और बेसिक बॉडी के प्लान जो हैं वो शेप लेते हैं, या बेसिक बॉडी के पार्ट जो हैं वो शेप लेते हैं. मतलब पहले 8 हफ्ते की स्टडी को अपन एम्ब्रियोनिक स्टडी कहते हैं. पहले 8 हफ्ते के पीरियड को, प्रेगनेंसी दौरान पहले 8 हफ्ते के पीरियड को अपन एम्ब्रियोनिक पीरियड कहते हैं. फीटल पीरियड उसके बाद के जो बचे हुए 30 हफ्ते हैं वो सब फीटल पीरियड होता है. इसमें स्ट्रक्चर और ऑर्गन्स कंटिन्यू ग्रो करते हैं और डेवलप होते हैं. अब ये डेवलपमेंटल हिस्ट्री बताई गई है ह्यूमन की. देखिए भाई, मेल फीमेल में ओवरी टेस्टस जेनाइटल ऑर्गन्स हैं. यहाँ से ओवरी से ऊसाइट और टेस्टिस से स्पर्म, दोनों हैप्लॉइड होते हैं का प्रोडक्शन होता है. ये दोनों आपस में फ्यूज़ हुए, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगॉट बना, 2n जाइगॉट, फिर उस जाइगॉट से 2 सेल स्टेज बनी, देन 4 सेल स्टेज, फिर मॉर्यूला बना, फिर ब्लास्टोसिस्ट बना, फिर अर्ली 3 वीक बताया गया, लेट 3 वीक का डेवलपमेंट दिखाया गया है. गेस्ट्रेशन पीरियड चल रहा है, फिर 4 वीक का गेस्ट्रेशन पीरियड, फिर ऑर्गेनोजेनेसिस चलता है. गेस्ट्रेशन पीरियड में गेस्ट्रुलेशन की स्टेज थी. अब ऑर्गेनोजेनेसिस जिसमें ऑर्गन बनेंगे 5वें हफ्ते में, 8वें हफ्ते में और बर्थ के दौरान. तो ये पूरी की पूरी जो है वो डेवलपमेंटल साइकिल है ह्यूमन की. अब डेवलपमेंट स्टेजेस, 5 स्टेजेस होती हैं, फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, गैस्ट्रुलेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस और मैच्यूरेशन. इसमें से क्लीवेज, गैस्ट्रुलेशन और ऑर्गेनोजेनेसिस को एक साथ अपन एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं. क्लीवेज, गैस्ट्रुलेशन और ऑर्गेनोजेनेसिस को एक साथ अपन एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं. इसमें सबसे पहले फर्टिलाइजेशन क्या होता है भाई, जिसमें स्पर्मेटोजोआ का फ्यूज़न या यूनियन होता है मैच्योर ओवम के साथ में. मतलब ओवम स्पर्म के फ्यूज़न को अपन फर्टिलाइजेशन कहते हैं. मैच्योर ओवम का स्पर्मेटोजोआ के साथ में फ्यूज़ होना या यूनाइट होना ही कंसेप्शन, फर्टिलाइजेशन या इम्प्रेगनेंटेशन कहलाता है, जिससे कि फर्टिलाइज सिंगल मोनोन्यूक्लियेटेड सेल बनती है उसको अपन जाइगॉट कहते हैं. जो फर्टिलाइज स्ट्रक्चर इससे बनेगी उसको हम क्या कह रहे हैं, जाइगॉट. और ये सिंगल न्यूक्लियेटेड सेल होती है, मोनोन्यूक्लियेटेड सिंगल सेल है ये. एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन और डेवलपमेंट. एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन और डेवलपमेंट. तो देखिए फर्टिलाइजेशन में ओवम, मैच्योर ओवम स्पर्म के साथ में फ्यूज़ हो रहा है वो फर्टिलाइजेशन कहलाएगा. फिर उस फर्टिलाइजेशन की वजह से जाइगॉट बनेगा, फिर उस जाइगॉट के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन और डेवलपमेंट होगा उसको एम्ब्रियोजेनेसिस कहेंगे. इसमें एम्ब्रियोजेनेसिस में सबसे पहले क्लीवेज होता है, ये सीरीज ऑफ रैपिड माइटोटिक डिवीजन है, तेज़ी से इसमें माइटोसिस होगा बिना सेल ग्रोथ के. मतलब केवल सेल का नंबर बढ़ रहा है, सेल की ग्रोथ नहीं हो रही. सेकंड है गैस्ट्रुलेशन, ये
अर्ली फेज है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की, जो अधिकतर एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग में चलती है। इसमें सिंगल लेयर्ड ब्लास्टुला जो है वो रीऑर्गेनाइज्ड होकर के ट्राई लैमिनर स्ट्रक्चर बनाता है। ट्राई लैमिनर मतलब तीन लेयर की स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको अपन गैस्ट्यूला कहते हैं। ब्लास्टुला से गैस्ट्यूला बना, फिर ये तीन जर्म लेयर्स जो हैं वो डेवलप अच्छे से होती है, जिसको एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म कहते हैं। ये पूरी प्रोसेस, ये पूरी स्टेज गैस्ट्यूलेशन कहलाती है। देन ऑर्गेनोजेनेसिस होएगा, जिसमें एनिमल प्लांट में, ह्यूमन में ऑर्गन्स का डेवलपमेंट प्रोडक्शन होता है, ऑर्गन्स प्रोड्यूस होंगे और डेवलप होंगे। अब फर्टिलाइजेशन कैसे होता है भाई, ओव्यूलेशन के बाद में ओवम जो है जब 0.15 मिलीमीटर डायमीटर का हो जाता है, तो ये ट्यूबल फिम्ब्री में आ जाता है। कहाँ से? ओवरी से। फिर वहाँ से सीलिया के द्वारा, पेरिस्टाटिक मूवमेंट के द्वारा ट्यूब से वो मूव होता है। सर्विक्स में, एट द टाइम ऑफ सर्विक्स जब एस्ट्रोजन का इन्फ्लुएंस होता है, तो एल्कलाइन म्यूकस का फ्लो वहाँ पे सीक्रेट होता है और वजाइना में डिपॉजिट हो जाता है। जब थाउजेंड्स ऑफ कैपेसिटेटेड स्पर्मेटोजोआ उस यूट्राइन ट्यूब में एंटर करेंगे, उनमें से 300 से 500 ओवम तक पहुँचेंगे और बाकी सबके सब वेजाइना के एसिडिक मीडियम से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इनमें से इनको लगभग एक घंटा लगता है स्पर्म को साइट तक पहुंचने में। फिर स्पर्म जो है एक एंजाइम का रिलीज करते हैं, जिसका नाम होता है हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम। ये एंजाइम जो है इस स्पर्म का ओवम के जोना पेल्यूसिडा और सेल मेम्ब्रेन में पेनिट्रेट करने में हेल्पफुल होता है, उसको उसके अंदर घुसाता है, स्पर्म को ओवम के अंदर घुसाता है। कौन घुसा रहा है? हाइल्यूरोनिडेज नाम का एंजाइम। अब बहुत सारे स्पर्म्स जो होते हैं वहाँ पर पहुँचे होते हैं, पर ओवम में केवल एक ही एंटर कर पाता है। इसके बाद जो मेम्ब्रेन है वो सील्ड हो जाती है, और बाकी जैसे एक अंदर घुस जाएगा स्पर्म तो मेम्ब्रेन सील हो जाएगी और बाकी रिमेनिंग फर्दर स्पर्म जो है वो अंदर एंटर नहीं हो पाते। न्यूक्लिया जो है, अब इन दोनों के न्यूक्लिया, स्पर्म और ओवम के न्यूक्लिया आपस में फ्यूज होंगे। स्पर्म और ओवम कंट्रीब्यूट करते हैं हाफ कॉम्प्लीमेंट क्रोमोसोम का, मतलब 23 स्पर्म के और 23 ओवम के क्रोमोसोम, और फिर टोटल कितने बन जाते हैं? 46। स्पर्म और ओवम को हम मेल और फीमेल गैमेट्स कहते हैं, और फर्टिलाइज्ड ओवम अब जो है वो जाइगोट कहलाएगा। ये दिखाया हुआ है फर्टिलाइजेशन, ये स्पर्म सेल है, ये फेज वन में, थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं भाई। फेज वन स्पर्म जो है एक्रोसोम रिएक्शन में जाएगा और कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करेगा। फिर फेज टू में स्पर्म पेनिट्रेट करता है जोना पेल्यूसिडा को, देखिए धीरे धीरे एंटर होता हुआ दिखाया गया है। और फेज थर्ड में स्पर्म और ओसाइट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज हो चुकी है। ये थ्री फेजेस फर्टिलाइजेशन है। अब कंसेप्शन की नॉर्मल साइट क्या है? मोस्ट कॉमन साइट कंसेप्शन की क्या है? एम्प्यूलरी पार्ट, यानी फैलोपियन ट्यूब का एम्प्यूला, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है भाई। एम्प्यूला में, फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला में फर्टिलाइजेशन या कंसेप्शन चलेगा। ये इस ट्यूब का वाइडेस्ट पार्ट है जो ओवरी के पास में होता है। कंसेप्शन का यूजुअल टाइम क्या है? ना तो स्पर्म ना ओवम जो है वो 2 से 3 दिन से ज़्यादा दोनों ही सरवाइव नहीं कर पाते हैं। फर्टिलाइजेशन ही ऐसा है जो अगर होगा इंटरकोर्स के बाद, तो टेक प्लेस नॉट मोर देन 48 आवर्स बिफोर एंड 24 आवर्स आफ्टर ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन के पहले 48 घंटे और 24 घंटे के बाद, ओव्यूलेशन के 24 घंटे के बाद, इसी दौरान अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो हुआ, इससे ज़्यादा तो फिर वो सर्वाइव ही नहीं करता। कंसेप्शन जो है वो लगभग उसमें 14 दिन लगते हैं नेक्स्ट पीरियड के ड्यू से पहले। अब न्यू इंडिविजुअल का जो सेक्स है एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन इज डिटरमाइंड बाय सेक्स क्रोमोसोम। अब जो न्यू वन का सेक्स है, मतलब बच्चा जो है वो, जो फीटस है वो मेल है या फीमेल है, वो सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम से ही डिटरमाइन होती है। ये चीज़ें मेल या फीमेल के हाथ में नहीं है, सेक्स क्रोमोसोम पर डिपेंड कर रही होती है। हर एक ह्यूमन सेल में लगभग 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 44 ऑटोसोम होते हैं और 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स और वाई। वुमेन में कोई वाई क्रोमोसोम नहीं होता, केवल मेल में वाई क्रोमोसोम होता है 44 प्लस एक्स प्लस वाई, जबकि फीमेल में 44 प्लस एक्स प्लस एक्स पाया जाता है। इसलिए सेक्स का चाइल्ड जो है वो हमेशा फादर से डिटरमाइन होता है, ना कि मदर से। और हमारे इंडिया के अंदर ये गलत
कॉन्सेप्ट चला हुआ है कि माँ रिस्पॉन्सिबल है कि वो बेटी बेटी पैदा कर रही है, जबकि माँ के हाथ में ये चीज़ें होती ही नहीं हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। हम पढ़े लिखे हैं तो हमें इस तरह के सेंटेंस कभी नहीं बोलने हैं कि माँ जो है वो बेटी बेटी को पैदा कर रही है, हमें तो बेटा चाहिए, तो वो उसके हाथ में नहीं है। हालांकि हाथ में तो ये किसी के भी नहीं है, इंसान के हाथ में है ही नहीं, ये चीज़ें भगवान के हाथ में हैं। पर फिर भी जो सेक्स डिटरमाइन होता है वो फादर से डिटरमाइन होता है, ना कि मदर से। बस आज के लिए इतना काफ़ी है, आगे का पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।